गुड मॉर्निंग ग्रेट वन वेलकम टू यर इंग्लिश क्लास इन टू डेज इंग्लिश क्लास अगैन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी ट्रेट जैसे हमने पिछली क्लास में किया था इन द सेम वे वी आर गोइंग टू रीड द पैसेज एंड वी आर गोइंग टू सर्च फॉर द पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ द कैरेक्टर आज की स्टोरी है द कलेवर डॉग आज की स्टोरी एक डॉग पर है और उनचे दीदी ने जियो दिया हुआ है यानी कि ग्राफिक ऑर्गेनाइजर दिया हुआ है जहाँ आपको फिल करना है कैरेक्टर पर्सनालिटी ट्रेट और टेक्सचुअल एविडेंस यानी कि आपको पुरावा कहाँ से मिल रहा है कौन से स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको उस कैरेक्टर के बारे में बता रहा है सो वील स्टार्ट द इट इज़ अ वेरी सिमिलर एक्सरसाइज लाइक यस्टरडे जैसे कल हमने पर्सनालिटी ट्रेड के बारे में बात किए था वैसा ही है ये भी लेसन अगर आपको नहीं समझे तो यू कैन प्लीज़ टेक्स्ट मी कॉल मी और यू कैन एसएमएस या व्हाट्सएप कर दीजिए प्लीज़ रीच आउट लेट्स रीड टुगेदर। द क्लेवर डॉग देयर वाज वंस अ डॉग नेम्ड मोती He was very clever. He could smell and catch thieves. He want, worked with the police. He worked with the police. He worked with the police. So you can see here Didi has also attached picture. This is the dog called Moti. And here he is chasing thieves. Chase karna matla bhagna kisi ke piche. उसको कहते हैं चेज़ या एंड इसको भाग रहा है चोर के पीछे हाउ कुड ही कैच द थीफ क्या तरीके से सिर्फ स्मेल करके ही कुड ओनली स्मेल एंड कैच द थीफ सिर्फ सूंग के उसे पता चल जाता था कि चोर कहाँ है इसीलिए ये कुत्ते को हम क्लेवर कह रहे हैं क्लेवर डॉग

वट काइंड ऑफ अ डॉग वॉज मोती पर्सनैलिटी ट्रेट आप सबको पता है जो अंदर होता है इनसाइड ट्रेट उसे पर्सनैलिटी ट्रेट करते हैं यानि कि काइंड अनकाइंड क्लेवर फुलिश हार्ड वर्किंग और क्या हमने किया था लेजी यू रिमेंबर ऑल दीज पर्सनैलिटी ट्रेट्स वी हैड डिस्कस वी हैड लर्न एंड देन वी हैल्सो आइडेंटिफाइड द पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ आर पेरेंट्स है ना एंड द लास्ट पार्ट इज टेक्स्ट एविडेंस टेक्स्ट एविडेंस मतलब इस पूरी स्टोरी में ये जो पूरी स्टोरी है ये पूरी स्टोरी में ऐसा कहाँ कौन सी चीज लिखी हुई थी जिससे आपने बोला कि ये इस डॉग का पर्सनालिटी ट्रेट ऐसा है कहाँ लिखा हुआ है ओके सो कंप्लीट दिस यू हैव टू राइट दिस इन योर बुक कंप्लीट एंड सेंड मी अ पिक्चर थैंक यू